हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में या बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 11 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, पिछला लेक्चर ख़त्म किया था प्रदूषण के बारे में। अब इसमें बात करना है हम लोगों को जंतु विज्ञान, क्या जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में। आपको बता दें फिले लिस्ट में जनरल साइंस के नाम से सूची बनी हुई है, उसी में ये सभी लेक्चर डले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। ठीक है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति अध्ययन करता है क्या कहलाता है? यूजीनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। ठीक, आगे बात करते हैं। हम लोग जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाएं देख लेते हैं, उनके जनक। ठीक है, अनुवांश की, इसके जनक थे जी जे मेंडल। चिकित्सा शास्त्र, इसके जनक थे हेप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जीविकी, इसके जनक थे लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान, रॉबर्ट कॉच। विकिरण अनुवांशिकी, एच जे मूलर। और फिर है तुलनात्मक रचना, जी क्यू वियर। आधुनिक अनुवांशिकी, वेटसन। जीरोन्टोलोजी, वाल्डिमीर कुरेनचेवस्की। आधुनिक शारीरिकी, एनडीएस बेसेलियस। रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे। रुदरबर्ग कॉल लैंडस्टीनर। वर्गीकी, कैरोलस। लीनियस, जीवाश्म विज्ञान। लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंसी। आधुनिक भूड की, कार्ल इवॉन बेयर। उत्परिवर्तन बाद, ह्यूगो डी बिर्ज। सुजन की, फ्रांसिस गाल्टन। फिर माइक्रोस्कोपी, मार्सेलो मालपेजी मालपीजी। एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। जंतु विज्ञान, अरस्तु। आगे देखते हैं, मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। ठीक, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इम्यूनोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। जीव विज्ञानिकों के प्रक्षेपणों का गणितीय विवेचन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखें, बायोमेट्रिक्स। बात कर लेते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में। एंथोलॉजी, ये मानव से संबंधित है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास अध्ययन से संबंधित है एंथोलॉजी। ठीक है, फिर एरेक्नोलॉजी, ये मकड़ियों का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, जीव शरीर की रसायनी से संबंधित है। बायोमेट्रिक्स,
जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों की सांख्यिकी विश्लेषण एवं अध्ययन होता है। बायोमिक्स ये जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन होता है। क्रेनियोलॉजी करोटी का अध्ययन होता है। इकोलॉजी सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है। फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। एम्बियोलॉजी भूड़ीय परिवर्धन का अध्ययन होता है। इवोल्यूशन जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संवादित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन होता है। यूजेनिक्स अनुवांशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन होता है। ठीक, फिर यूफेनिक्स कोशिकाओं में जीन आरए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रोधिर रोगों का अध्ययन होता है। हेलमेंथोलॉजी परजीवी कृमियों का अध्ययन होता है। हार्मेटोलॉजी उभयचारियों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। इक्टियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजी संक्रमण के विरुद्ध जंतुओं के प्रतिरोध का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैरियोलॉजी केंदक का अध्ययन होता है। मार्फोलॉजी जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन होता है। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन होता है। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन होता है। मेलिकोलॉजी मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी कंगाल तंत्र का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन होता है। पारासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन होता है इसमें। फिर पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। प्रोटोजो अलॉजी प्रोटोजुआ लॉजी प्रोटोजुआ का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन होता है इसमें। सेंडेस्मोलॉजी कंगाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन होता है। सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन होता है। टेक्टोलॉजी शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है। टेट्रोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन होता है। टोपोलॉजी पोषण विज्ञान। ऑन्टोलॉजी जीव वृत का अध्ययन होता है।
फाइलोजेनी जाति के उद्विकास का अध्ययन होता है। पेलियोन्टोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसके। फिर जो जियोग्राफी पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण का अध्ययन होता है। साइकोबायोलॉजी जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पेलियोन्टोलॉजी का के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। याद रखना, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन एक्वेरियोलॉजी। ऑर्नियोथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षी का। हेस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऊतक से। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। ठीक है, बात कर लेते हैं यहीं प्रोटोजुआ जनित पशुओं के रोग। तो ये रोग हुए, कारक है, रोग के लक्षण और रोग के रोकथाम। कोक्सीडियोसिस एक कारक का नाम है, कोक्सीडिया प्रजाति है। रोग के लक्षण है रक्तस्राव, आंतशोथ, खूनी पेचिस, नाइट्रोफ्यूराजन यौगिक से। बबेसियासिस इससे बबेसियासिस से होता है, तीव्र ज्वार, रक्त अल्पता, लाक्षणिक उपचार। फिर है थैलेरियोसिस, थैलेरिया फारवा, थैलेरिया एनुलेटा, थैलेरिया म्यूटास से होता है। यह तीव्र ज्वार, वह लसी का ग्रंथियों में सूजन, थैलेरिया एनुलेटा का टिशू कल्चर का टीका। फिर है एनाफिलाजमोसिस, एनाफिलाजमा प्रजाति के परजीवी, लाल रक्त कणों का विनाश, एनाप्ला ए टीका। फिर है सर्रा टिपनोसोमेसिस, टिपेनोसोमा एवानसाई, ज्वार रक्त की कमी, मुख औषधि सराविन। फिर है ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनाइफिटस कारक है और गर्भपात व बंधता इसके रोग के लक्षण है, लाक्षणिक उपचार है। डाउरिन, ट्रिपिनोसोमा इक्यूफर्डम लैंगिक संक्रमक रोग होता है, लाक्षणिक उपचार होता है। बात करते हैं आगे, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। रेशम का पालन, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर। रेशम पालन का क्या कहलाता है? सीरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हेस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। पीडियाटिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग के। ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता व गुणसूत्र का। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना व वातावरण से। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को बता दें, ये था हमारा 12वां लेक्चर, जंतु विज्ञान और उसकी शाखाएं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में प्रमुख जीव विज्ञान को के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रमुख जीव विज्ञानिक। ठीक है।